Justice! Be born justice! Be born justice! Be born justice! Awaaz do! Hum ek hain! 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 Be born justice! 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 Ek do teen char! Band karo ye kachar! 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 Doctor, hum sharminda hain! Tera qatil zinda hai! Doctor, hum sharminda hain! Tera qatil zinda hai! Doctor, hum sharminda hain! Tera qatil zinda hai! Be born kundal और हमारी ये डिमांड है जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है, जो हमारे एक डॉक्टर जो पीजी कर रहे थे पल्मोनरी मेडिसिन में बाहर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, उनका जो रेप हुआ है और उनकी उसके बाद जो ब्रूटल डेथ की गई है, उसके हम सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं कि जो उसके साथ हो रहा है वो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो उसके कातिल हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी सज़ा मिल जाए और ऐसी हिस्ट्री बने कि दोबारा कोई ऐसी नौबत ही ना आए, कि कोई ऐसा सोचे बात किस तरह डॉक्टर की सिक्योरिटी है कि हमें हॉस्पिटल में एटलीस्ट जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो वर्किंग हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे हमारी इमरजेंसीज होती हैं, चाहे वो हमारी मेन इमरजेंसी हो, चाहे गायनी की इमरजेंसी हो या पीडियाट्रिक की इमरजेंसी हो, हर जगह हमें एक सिक्योरिटी जो आर्म्ड पुलिस पर्सन है वो चाहिए। ये धरना कब तक? जब तक वो चलेगा हम भी उनके साथ खड़े हैं। और ये एक्स सर्विसमैन जी हैं, ये सारे हमारे स्पोर्ट में आए हुए हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन हैं, ज्ञानचंद जी, ज्ञान सिंह पठानिया जी, ये भी हमारे आज हमें सपोर्ट करने आए हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जितने भी ये एक्स सर्विसमैन हमारे साथ आए हुए हैं, हम इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम इनके, कि एटलीस्ट कोई तो है जो हमारी मतलब के दुख को समझता है और हमारी सपोर्ट में ये हमारे पास आए हैं, हमें पूरा योगदान देंगे, हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे। हम इनका बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। कलकत्ता में मैं कहता हूँ वो तो शर्मिंदा, हम लोग शर्मिंदा है कि इस देश में, भारत जैसे देश में इस किस्म की जब घटनाएं घटती है तो बड़ा दुख होता है। ये किसका देश है? मनु का देश है। उन्होंने तो ये कहा था कि जत्र पूजते नारी तत्र मनते देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ वहाँ पर देवता वास करते हैं। लेकिन इस भारत में जिस किस्म की जो घटनाएं घट रही है बड़ा दुख होता है। हमारा अनुरोध रहेगा एक्सरस प्लान का, मैं कहता हूँ हम एक नहीं हज़ारों की तादाद में कठुआ में हम 15-20 हज़ार हैं, हम इकट्ठे होंगे और जब तक इसका तुरंत गवर्नमेंट को संज्ञान नहीं लेती तो मैं कहता हूँ हम कोई उपद्रव भी हो सकता है। हम चाहते नहीं, हम शांतिप्रद लोग हैं। एक फौजी जो होता है वो हमेशा डिसिप्लिन के सूत्र में बंधा होता है, हम डिसिप्लिन के सूत्र में बंधे हुए। लेकिन माननीय डॉक्टर साहब ने जहाँ हमें कल परसों का जो जो इस बात को सुन रहे हैं कि यार क्या है, इनको पता होना चाहिए इस देश में क्या क्या, सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता तक रावण की क्या हालत हुई थी, कंस की क्या हालत हुई थी, उनको पूछो ना उनका क्या, कौरवों का जो मतलब उनकी क्या हालत हुई थी। तो अगर नारी का जहाँ पर प्रमाण होता है उस देश में क्या होगा? तो हम गवर्नमेंट से, हमारा अनुरोध रहेगा एक्शन प्लान का, वी वुड लाइक टू से टू द गवर्नमेंट कि फोर्थ एक्शन इसके ऊपर एक्शन किया जाए और सच पर्सन शुड बी हैंग्ड इमीडिएटली फोर्थ, उनके साथ कोई भी ये नहीं कि कोर्ट में चलेगा वो चलेगा, कोर्ट में तो फिर 10 साल चलता रहेगा। ऐसी मिसाल पैदा करो कि इस किस्म के हालात नहीं घटे। जो हालात गंदा वाक्या हुआ है जो आपने देखा होगा कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुझे लगता है आम जनता को शायद नहीं पता इस बारे में, बहुत ही इंजरी के मार्क्स थे आंखों पे, नाक कान हड्डी टूटी हुई थी। तो ऐसा इंसिडेंट बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है ये, और अगर इसका जस्टिस जो है, जो न्याय है वो डिले हो रहा है तो सवाल होता है हमारे कोलकाता के जो जो गवर्नमेंट है उस पर, और न्याय की जो प्रक्रिया है ये उस पर बहुत बड़ा सवाल है। हम क्या देखें?